वेलकम टू एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हिंसबर्ग रिएजेंट से रिलेटेड स्टडी करेंगे। हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से कैसे आप प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अदरवाइज उनको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन जो कम्प्लीटली बेस्ड है हिंसबर्ग रिएजेंट पर। सबसे फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आती है कि हिंसबर्ग जो रिएजेंट है इसका क्या केमिकल नेम है और इसकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सबसे पहले अपन डील करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट की केमिकल स्ट्रक्चर से। डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, अगर बात करूं मैं इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की, तो इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, मीनिंग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को क्या बोला जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये तो हो गया बेंजीन। सेकेंड वाला पोर्शन है इसका सल्फोनिक, जिसको मैं येलो कलर से मेंशन कर रहा हूं। सल्फोनिक का मीनिंग है दोस्तों एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये कौन सा ग्रुप हो गया, सल्फोनिक। और थर्ड इसका जो पोर्शन होता है दोस्तों वो होता है क्लोराइड, दैट मीन्स सीएल। तो ये जो आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर आपको सीन हो रही है, ये एक्चुअल में किसकी स्ट्रक्चर है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर, और इसी को क्या बोला जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होगी व्हाट इज द हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नॉन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये मैंने इसका नोमेनक्लेचर मेंशन कर दिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये फर्स्ट थिंग आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि व्हाट इज द हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट इज द बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और यहां पर ये मैंने स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया सल्फोनिल वाला पार्ट और ये हो गया क्लोराइड। सेकंड थिंग आती है कि जो हिंसबर्ग रिएजेंट है ये एक्चुअल में इसका केमिकल क्या यूज है, क्यों इसको अमीन वाले चैप्टर के अंदर अपन डिटेल में स्टडी करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो हिंसबर्ग रिएजेंट है ये इजिली क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, क्या कर देगा, इजिली डिस्टिंग्विश करेगा, अदरवाइज ये डिफरेंशिएट कर देगा। किसको डिफरेंशिएट करता है, ये डिस्टिंग्विश इन बिटवीन, कौन कौन सी ऐसी अमीन है जिनको ये इजिली डिफरेंशिएट कर देगा। तो हिंसबर्ग रिएजेंट डिस्टिंग्विश इन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, तीनों टाइप की जो अमीन है दोस्तों, इन तीनों टाइप की अमीन को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, किसकी हेल्प से, हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से। अब वन बाय वन प्राइमरी से पहले अपन रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद में सेकेंडरी अमीन से, और लास्ट में देखेंगे टर्शरी अमीन से किस टाइप से हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन करेगा, और कैसे आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि ये वाली प्राइमरी अमीन है, ये वाली सेकेंडरी अमीन है, अदरवाइज टर्शरी अमीन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले अपन डील करेंगे प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन। रिएक्शन को स्टार्ट करते बिल्कुल इजी एंड शॉर्ट मेथड के अंदर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले अपने यहां पर रिएक्शन में प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश कर रही है, तो यहां पर मैं प्राइमरी अमीन का एक एग्जांपल मेंशन करता हूं दोस्तों। ये लीजिए, ये मैंने प्राइमरी अमीन का एक एग्जांपल मेंशन किया है C2H5NH2। ये प्राइमरी अमीन का एग्जांपल है C2H5NH2। कौन सी अमीन है, ये वाली प्राइमरी अमीन है, और इस वाली प्राइमरी अमीन का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है, इथेन अमीन। और ये जो प्राइमरी अमीन है इसकी रिएक्शन अपन प्रोसीड कर रही है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, और अभी मैंने मेंशन किया कि हिंसबर्ग रिएजेंट एक्चुअल में क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, इसी को आप कौन सा रिएजेंट बोलते हो, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हो। तो ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दैट मींस हिंसबर्ग रिएजेंट। अब किस टाइप से रिएक्शन होगी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, केमिकल रिएक्शन की अगर अपन बात करते हैं, तो यहां पर जो नाइट्रोजन से बॉन्डेड जो हाइड्रोजन है एंड हिंसबर्ग रिएजेंट का जो क्लोरीन है, ये यहां से क्या हो जाएगा, रिलीजमेंट हो जाएगा। यहां से जो हिंसबर्ग रिएजेंट से क्लोरीन एंड जो भी आपके पास अमीन है, इस वाली अमीन से नाइट्रोजन से बॉन्डेड हाइड्रोजन है, क्या हो जाएगा, इसका रिलीजमेंट हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा, तो इस वाले प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं, C2H5 एजिट रहेगा दोस्तों। ये लीजिए, मैंने मेंशन कर दिया C2H5 सिंगल बॉन्ड एंड H, और यहां से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का वन बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ है, और हिंसबर्ग रिएजेंट में सल्फर एंड क्लोरीन के भी वन बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ है। दैट मींस क्या है, नाइट्रोजन है जो अमीन का, ये डायरेक्टली किससे बॉन्डेड हो जाएगा,
हिंसबर्ग रिएजेंट के सल्फोनिल ग्रुप के सल्फर से क्या हो जाएगा, इजीली बॉन्डेड हो जाएगा। तो ये लीजिए यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास मेनली, और साथ में रिलीजमेंट किसका हुआ दोस्तों, रिलीजमेंट हुआ यहां से हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो यहां से ये रिलीजमेंट हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का। अब सेकंड थिंग आती है कि यहां पर ये जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या है, तो यहां पर अगर अपन इसकी बात करें आयुपेक नोमेनक्लेचर की, तो देखिए नाइट्रोजन से कौन अटैच है, कौन सा एल्काइल ग्रुप अटैच है, इथाइल, तो यहां पर इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या होगा, एन इथाइल। इन जो नाइट्रोजन है इसे कौन सा एल्काइल ग्रुप अटैच है, इथाइल। उसके बाद में इसका अब नेक्स्ट वाला नोमेनक्लेचर देखिए, ये रिंग कौन सी है, बेंजीन रिंग, ये कौन है, सल्फोनिल ग्रुप, और सल्फोनिल ग्रुप से एनएच अटैच है, मीनिंग एमाइड अटैच है, तो इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर क्या बन जाएगा, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। सेकेंड थिंग देखिए, ये जो आपके पास प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है जिसका नोमेनक्लेचर है एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, अब आपको क्या करना है, इसको डिजोल्व करना है, इसकी फर्दर आपको ट्रीटमेंट करवाना है। फर्दर ट्रीटमेंट किसके साथ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट मींस एल्कलाई के साथ क्या करना है, इसको ट्रीट करना है। जैसे आप इसको एल्कलाई के साथ क्या करोगे, ट्रीट करोगे, तो यहां से क्या सीन क्रिएट होगा कि ये एल्कलाई के अंदर क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। तो यहां से जो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एक्चुअल में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, और सोल्यूबल भी दोस्तों किसमें होगा, एल्कलाई के अंदर सोल्यूबल होगा। दैट मींस जब भी इसका ट्रीटमेंट एल्कलाई के साथ होगा तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये एक्चुअल में क्या है, सोल्यूबल इन एल्कलाई, एल्कलाई के अंदर क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। और एल्कलाई के अंदर दोस्तों इसका जो सोल्यूबल होने का एक्चुअल में जो रीजन है वो रीजन भी आप देख लीजिए, ऐसा क्या हो रहा है कि ये सोल्यूबल हो गया किसके अंदर, एल्कलाई के अंदर। तो इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि ये जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ था, कौन सा प्रोडक्ट, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, इस प्रोडक्ट में देखिए जो अमीन है, अमीन की नाइट्रोजन से कौन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, और ये जो हाइड्रोजन है दोस्तों कौन से नेचर का होता है, हाईली एसिडिक नेचर का होता है, कौन से नेचर का होता है, हाईली एसिडिक नेचर का है। तो बेस है ये एल्कलाई, क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन, और जैसे एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन होगा तो ये जो कंपाउंड है एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये किसमें सोल्यूबल हो जाएगा, बेस में, अदरवाइज एल्कलाई में क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। तो इसे कंक्लूजन क्या आ रहा है दोस्तों आपके पास, कि जो हिंसबर्ग रिएजेंट है जब ये प्राइमरी अमीन के साथ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो यहां से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट है एक्चुअल में किसमें सोल्यूबल होता है, एल्कलाई के अंदर सोल्यूबल होता है। और सोल्यूबल कब होगा, जब भी प्रोडक्ट बन रहा है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ और उसमें नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड है, उसी कंडीशन में ये एल्कलाई में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। अगर इस वाले प्रोडक्ट में नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं होता तो ये फिर एल्कलाई के अंदर सोल्यूबल नहीं होता। नहीं, जो प्राइमरी अमीन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑलवेज किसमें सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल इन एल्कलाई होगा। अब बात करती है दोस्तों सेकेंडरी अमीन की, ये तो अभी आपने डील किया था प्राइमरी अमीन से, अब सेकेंडरी अमीन के साथ किस टाइप से रिएक्शन होगी इसको डील करते हैं। वापिस एक में सेकेंडरी अमीन का एग्जाम्पल लेता हूं, ये लीजिए दोस्तों मैंने सेकेंडरी अमीन का एग्जाम्पल लिया है C2H5 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C2H5। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ये कौन सी अमीन है, ये दोस्तों आपके पास अमीन है सेकेंडरी अमीन। कौन सी अमीन का एग्जाम्पल है, ये वाला सेकेंडरी अमीन का एग्जाम्पल है, और इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या है, एन इथाइल इथेन अमीन। आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, एन इथाइल इथेन अमीन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें दोस्तों यहां पर इसकी रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड करनी है, हिंसबर्ग रिएजेंट, तो ये लीजिए मैंने हिंसबर्ग रिएजेंट की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते। अभी आपको बताया कि हिंसबर्ग रिएजेंट का मीनिंग क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही आप हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हो। तो ये लीजिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया हिंसबर्ग रिएजेंट, दैट मींस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सबसे फर्स्ट स्टेप में यहां पर जो भी रिएक्शन प्रोसीड होगी, सॉरी रिएक्शन में क्या सीन क्रिएट होगा, अमीन के नाइट्रोजन से बॉन्डेड हाइड्रोजन और जो हिंसबर्ग रिएजेंट के सल्फर से बॉन्डेड क्लोरीन है, इनका क्या हो जाएगा, रिलीजमेंट हो जाएगा। सिमिलर थिंग है, जैसे रिएक्शन प्राइमरी अमीन में हुई थी सेम टाइप की रिएक्शन है वो किसमें होगी, सेकेंडरी अमीन में। तो यहां पर देखिए क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले मैं प्रोडक्ट को मेंशन कर देता हूं। तो यहां पर दोस्तों जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होगी, C2H5 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड C2H5।
हाइड्रोजन और क्लोरीन का तो रिलीजमेंट हो गया एनसीएल के फॉर्म में, तो नाइट्रोजन वो डायरेक्टली किससे बॉन्डेड हो जाएगा, हिंसबर्ग रिएजेंट के सल्फर से, तो यहां से लीजिए ये सल्फर से अटैच हुआ और सल्फर फर्दर किससे बॉन्डेड है, एच डबल बॉन्ड ओ से, और ये सल्फर फर्दर किससे बॉन्डेड है, बेंजीन रिंग से, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। साथ में दोस्तों अगर बात करें अपन बाई प्रोडक्ट, तो किसका रिलीजमेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो गया, रिलीजमेंट हो गया। नेक्स्ट थिंग क्या है, इसके आयुपेग नोमेनक्लेचर की अगर अपन बात करें कि इसका आयुपेग नोमेनक्लेचर क्या होगा, जो मेजर प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हुआ है दोस्तों, अगर बात करें इसके आयुपेग नोमेनक्लेचर की, तो इसका आयुपेग नोमेनक्लेचर क्या होगा, एनसी देखिए क्या अटैच है, टू इथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका आयुपेग नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, एन कोमा लगाकर सेपरेट करेंगे, एन डाई इथाइल, मीनिंग यहां पर नाइट्रोजन से कितने इथाइल ग्रुप अटैच है डियर फ्रेंड्स, टू एल्काइल ग्रुप अटैच है, दैट मीन्स एन एन डाई इथाइल, एन एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये इसका आयुपेग नोमेनक्लेचर हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब इंटरेस्टिंग थिंग क्या है दोस्तों, यहां पर जब भी आप इस वाले प्रोडक्ट को किसमें डिजोल्व करना है, एल्कलाई के अंदर आपको क्या करना है, डिजोल्व करना है, लेकिन इसको आपको फर्दर रिएक्शन करवाना है, फर्दर ट्रीटमेंट करवाना है, तो आपने इसका फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो किसके साथ करवा दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट मीन्स एल्कलाई के साथ। अब जैसे यहां पर देखिए जो प्रोडक्ट है उस वाले प्रोडक्ट में नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डेड है क्या, नहीं है, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो क्या ये एल्कलाई के अंदर डिजोल्व होगा क्या, नहीं होगा, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन से हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, ये एक्चुअल में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, किसमें इनसोल्यूबल होता है, एल्कलाई के अंदर, तो यहां से क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल इन के ओ एच, अदरवाइज इनसोल्यूबल इन एल्कलाई। तो यहां से देखो दोनों अमीन को आपने डिस्टिंग्विश कर लिया, प्राइमरी अमीन का जो प्रोडक्ट है वो एल्कलाई के अंदर सोल्यूबल है, क्योंकि वहां पर जो नाइट्रोजन है उसे कौन बॉन्डेड होता था, हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है, लेकिन सेकेंडरी अमीन का जो प्रोडक्ट है उसमें जो अमीन का जो नाइट्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन एब्सेंट है, दैट मीन्स यहां से जो बेस है वो प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो सेकेंडरी अमीन का जो प्रोडक्ट है वो सोल्यूबल नहीं होता, तो कैसा हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा, इनसोल्यूबल इन एल्कलाई। लास्ट एक एको केमिकल रिएक्शन उससे डील कर लेती है। तब बात आती है दोस्तों टर्शियरी अमीन की, तो टर्शियरी अमीन का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और इसको भी केमिकल रिएक्शन की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। ये लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल बना देता हूं मैं टर्शियरी अमीन का, C2H5 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन C2H5 एंड C2H5। ये लीजिए कौन सी अमीन का एग्जांपल बना दिया ये मैंने, टर्शियरी अमीन का एग्जांपल बना दिया। कौन सी अमीन का एग्जांपल है ये, टर्शियरी अमीन, और इस टर्शियरी अमीन का जो आपको ट्रीटमेंट किसके साथ करना है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो यहां पर मैं हिंसबर्ग रिएजेंट की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। ये लीजिए मैंने यहां पर ये कौन सा रिएजेंट की स्ट्रक्चर बना दी, हिंसबर्ग रिएजेंट के। अब सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, अमीन के नाइट्रोजन से बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम एंड हिंसबर्ग रिएजेंट का क्लोरीन, ये क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था। तो यहां पर एक बात बताइए मेरे को, हिंसबर्ग रिएजेंट में तो क्लोरीन प्रेजेंट है, लेकिन जो टर्शियरी एमीन है तो टर्शियरी एमीन के नाइट्रोजन के पास क्या हाइड्रोजन अवेलेबल है क्या, नहीं है, दैट मीन्स यहां पर जो टर्शियरी एमीन है ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ केमिकल रिएक्शन शो नहीं करती है। तो यहां से एक कंक्लूजन क्या आपके पास आ रहा है कि हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से आप प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन तीनों टाइप की एमीन को इजीली क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। कॉन्क्लूजन क्या है दोस्तों, कॉन्क्लूजन भी मैं आपको मेंशन कर देता हूं बिल्कुल शॉर्ट के अंदर। थ्री टाइप की आपके पास अमीन थी, कौन कौन सी अमीन है उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन है, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया हिंसबर्ग रिएजेंट, और अगर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कौन कर रहा है, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन हो रही है, कौन सी अमीन, प्राइमरी अमीन, और प्राइमरी अमीन से दोस्तों ये जो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा जिसका नोमेनक्लेचर अभी आपने लास्ट वाली स्लाइड के अंदर देखा है। और जब इस प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, सोल्यूबल करोगे किसके अंदर, बेस के अंदर या एल्कलाई के अंदर, तो ये तो एक्चुअल में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, एल्कलाई के अंदर क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। सेकेंड थिंग अगर बात करती है अपन सेकेंडरी अमीन की, कॉन्क्लूजन मेंशन कर रहा हूं, हिंसबर्ग रिएजेंट है जब भी रिएक्शन करेगा कौन सी अमीन के साथ, सेकेंडरी अमीन के साथ, तो यहां पर भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो हो जाएगा,
क्योंकि सेकेंडरी एमीन में नाइट्रोजन के पास क्या अवेलेबल होता है, हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होता है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना है सेकेंडरी एमीन के ट्रीटमेंट से हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, इस प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के पास वो हाइड्रोजन क्या होता है, एब्सेंट होता है, और जब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो फिर ये एल्कलाई के अंदर क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा। दैट मीन सेकेंडरी अमीन का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, इनसोल्यूबल इन एल्कलाई, एंड प्राइमरी अमीन का प्रोडक्ट वो क्या होता है, सोल्यूबल इन एल्कलाई। थर्ड, अगर अपन बात करें हिंसबर्ग रीजन की टर्शियरी अमीन के साथ किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड होती है, तो ये हिंसबर्ग रीजेंट है, कौन सी अमीन के साथ आपकी बार इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, टर्शियरी अमीन के साथ। लेकिन यहां पर टर्शियरी अमीन के साथ जब भी ये रिएक्शन करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट, तो यहां पर कोई भी प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन नहीं होता है। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि टर्शियरी अमीन में जो नाइट्रोजन है इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है तो यहां से हाइड्रोजन क्लोराइड का रिलीजमेंट नहीं होता है। तो जब यहां पर प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है, यहां पर तो प्रोडक्ट ही ऑब्टेन नहीं हो रहा है, जबकि प्राइमरी अमीन में क्या हो रहा था, प्रोडक्ट भी फॉर्म हुआ था, और ये जो प्रोडक्ट है वो किसमें सोल्यूबल था, सोल्यूबल इन एल्कलाई, मीनिंग जो बेस के अंदर क्या था, ये सोल्यूबल था, सोल्यूबल इन एल्कलाई। लेकिन बात की थी आपने कौन सी, सेकेंडरी एमिन की, सेकेंडरी एमिन की रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट भी बनेगा, और प्रोडक्ट जब आप किसमें सोल्यूबल करोगे, एल्कलाई में या बेस में, तो ये एक्चुअल में क्या होता है, इन सोल्यूबल होता है। इन सोल्यूबल किसमें होगा, इन सोल्यूबल इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अदरवाइज इन सोल्यूबल इन एल्कलाई, और टर्शियरी एमिन के साथ तो किसी भी टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा। तो यहां पर आपने इस वाले वीडियो सेशन में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन को जब भी आपको डिस्टिंग्विश करना हो, डिफरेंशिएट करना हो, डिस्टिंक्शन करना हो, तो आप कौन से रिएजेंट की हेल्प लोगे, ऑलवेज हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन को इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। थैंक यू।